आदरणीय बंधुओं ओम नमः शिवाय। सनातन धर्म में शिवलिंग पूजा का विधान प्रायः सभी वेद शास्त्र पुराण और उपनिषदों में प्रतिपादित किया गया है। शिवलिंग सदाशिव अर्थात ब्रह्म के निराकार रूप की प्रथम साकार आकृति के रूप में प्रकट हुआ है। अतः शिवलिंग पर सभी धर्म जाति एवं संप्रदाय के लोगों का समान अधिकार है, क्योंकि शिवलिंग का किसी जाति धर्म अथवा संप्रदाय से कोई आशय न होकर यह सभी की उत्पत्ति का कारक है। इसका आशय यह हुआ कि जब तक आप शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाकर उन्हें नमस्कार निवेदित नहीं करते, किसी भी धर्म जाति एवं संप्रदाय के अनुयायी द्वारा उनके धर्म में दी गई पूजा विधि का पूरा पूरा लाभ उसे प्राप्त नहीं होता। और यही कारण है कि आज विश्व में धर्म को लेकर हम अब तक एकमत नहीं हो सके। शिवा मिशन न्यास द्वारा बाबा कैलाशी के आदेश से धर्म के प्रति फैली भ्रांतियों को मिटाकर बहुदेववाद से एकदेववाद की ओर ले जाने का प्रयास विगत 16 वर्षों से किया जा रहा है। और उसी कड़ी में एक और कड़ी जोड़ते हुए शिवत्व की पुनर्स्थापना करने के लिए नर्मदेश्वर चल प्रतिष्ठित शिवलिंग प्रत्येक परिवार को अपने एवं विश्व कल्याण के लिए घर के पूजा स्थल में प्रतिष्ठित करना चाहिए। इसका प्रचार प्रसार शिवा मिशन न्यास बाबा कैलाशी के आदेश पर निरंतर विगत अनेक वर्षों से कर रहा है। शिवलिंग नर्मदा नदी से निकले ही क्यों होना चाहिए, तो इस संबंध में नर्मदा पुराण में लिखा है कि नर्मदा के कंकर सब शंकर। तो आइए नर्मदेश्वर शिवलिंग के विषय में नर्मदा पुराण में क्या क्या कहा गया है संक्षेप में जानते हैं। एक समय की बात है, भगवान शंकर ने अमरकंटक पर्वत पर लोक कल्याण की भावना से घोर तप किया। तपस्या के दौरान उनके दिव्य शरीर से श्वेत रंग का पसीना निकला, जो एक सुंदर कन्या के रूप में परिणित हो गया। यह सुंदर एवं दिव्य कन्या ही देवी नर्मदा के नाम से तीनों लोकों में विख्यात हुई। तदंतर देवी नर्मदा ने एक पैर पर खड़े होकर भगवान शिव के सम्मुख अमरकंटक पर्वत पर ही घोर तप प्रारंभ किया। शिवपुत्री देवी नर्मदा के घोर तप से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उनसे वर मांगने को कहा। इस पर देवी नर्मदा ने कहा, हे देवादिदेव महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वरदान प्रदान करें कि आप स्वयं माता पार्वती जी के साथ सदैव मेरे जल में निवास करेंगे। मेरे जल के स्पर्श में आने वाले हर कंकर में आपका वास हो और वह शंकर का स्वरूप हो जाए एवं स्वयं सिद्ध शिवलिंग कहलाए तथा उसका पूजन करने मात्र से प्राणी को शिवत्व की प्राप्ति हो जाए। मेरी महिमा गंगा से अधिक हो, उसमें स्नान करने वाले जीव पाप रहित हो जाएं। पृथ्वी के सारे तीर्थों में स्नान करने का फल केवल नर्मदा के जल में स्नान करने से प्राप्त हो जाए तथा नर्मदा के दर्शन करने मात्र से मुक्ति मिल जाए। इस प्रकार शिवपुत्री नर्मदा के ऐसा कहने पर भगवान शंकर ने वे सभी वर प्रदान कर दिए जो देवी नर्मदा जी ने मांगे थे। इस प्रकार नर्मदेश्वर शिवलिंग में प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वे देव नदी नर्मदा जी को शिव से वरदान प्राप्त है कि उनके प्रत्येक शिवलिंग में भगवान शिव स्वयं प्रतिष्ठित रहेंगे। अतः प्रत्येक जाति धर्म संप्रदाय के मानने वाले को नर्मदेश्वर शिवलिंग हर घर में पूजा स्थल में अपने सर्व कल्याणार्थ प्रतिष्ठित करना चाहिए। शिव पुराण की बिंदेश्वर संहिता के अध्याय 11 में जल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग की लंबाई कर्ता के एक अंगुल से अधिक एवं 12 अंगुल से कम होना चाहिए। नर्मदेश्वर शिवलिंग प्रायः कत्थई कलर लिए हुए होते हैं। बाजार में नर्मदेश्वर शिवलिंग के नाम से नकली मिलने की संभावना रहती है। वर्तमान में ओंकारेश्वर के आसपास नर्मदा जल में ये सहजता से प्राप्त हो जाते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें एवं शिवा मिशन न्यास के चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलिए ओम नमः शिवाय।